नमस्कार मित्र, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो कन्या राशि वालों, मित्रों, शनिदेव ने लिख दी है आपके नाम की वसीयत। अब आपको आपके हक की खुशियां मिलेगी मित्रों, और जीवन में एक भी आंसू नहीं रहेगा, क्योंकि बहुत समय के बाद आपके जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन आया है। स्वयं शनिदेव अपनी कलम लेकर बैठे हैं। वीडियो बहुत खास होने वाली है, एक एक बात को बड़े ही ध्यान से सुनिएगा मित्रों, क्योंकि ऐसी वीडियो का निर्माण बार बार बिल्कुल भी नहीं होता है। मित्रों, दिनांक 20 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक, यानी कि इन 9 दिनों में आपके जीवन में जो परिवर्तन होगा वह बड़ा ही चमत्कारी रहेगा। सबसे पहले तो मित्रों, सिर्फ वही भक्त इस वीडियो को लाइक करें जो अपने माता पिता से सच्चा प्यार करते हैं, और कमेंट बॉक्स में गुरु जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए ओम हनुमंते नमः 3 बार अवश्य लिखिएगा, और जय शनिदेव अवश्य लिखिएगा। मित्रों, आइए हम आपको बताते हैं कि आने वाले समय के अंतराल में आपके जीवन में कौन से शुभ समाचार आपको सुनने को मिलेंगे, किस क्षेत्र में कौन सी सावधानियां आपको बरतना पड़ेगी, और जीवन में कौन सी चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ेगा। समस्त बातें समस्त ग्रह गोचर एवं नक्षत्रों की चाल के आधार पर हम आपको बताने वाले हैं। तो आइए अब आप सभी का कीमती वक्त गवाए बिना बात करते हैं महत्वपूर्ण समय अंतराल की। तो मित्रों, आपका आकर्षक बर्ताव दूसरों का ध्यान आपकी तरफ खींचेगा, और आप पैसा बना सकते हैं। बस शर्तें हैं कि आप अपनी जमा पूंजी पारंपरिक तौर पर निवेश करें। जहां से आपको पैसा प्राप्त होता है उसी जगह पर आपको पैसा निवेश करना है। जिन लोगों से आपकी मुलाकात कभी कभी ही होती है उनसे बातचीत और संपर्क करने के लिए एक अच्छा समय चल रहा है। किसी की दखलंदाजी के चलते आपके और आपके प्रिय के रिश्तों में दूरियां आ सकती है, तो ऐसे काम हाथ में लें जो रचनात्मक प्रकृति के हैं। मित्रों, अपने काम से आराम लेकर आप कुछ समय अपने जीवन साथी के साथ बिता सकते हैं, और संभव है कि आपके जीवन साथी की वजह से आपकी प्रतिष्ठा को थोड़ी सी ठेस पहुँचे। किसी भी गरीब कन्या को हरा वस्त्र दान करने से आपके प्रेम संबंध अच्छे रहेंगे, और अपने वजन पर नजर रखें और जरूरत से ज़्यादा खाने से बचें। मित्रों, आपका यह जो बढ़ता वजन है यह आपके लिए बीमारी का घर बन सकता है, इसलिए आपको सबसे पहली बात तो बेवजह का खाना खाने से बचना है। साथ ही बता देते हैं कि कारोबारी, जो भी बड़े बड़े कारोबारी हैं, उन्हें बहुत सोच समझकर पैसा निवेश करने की ज़रूरत है। सगे संबंधियों आपके उदार स्वभाव का गलत फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे, चौकन्ना रहें, चारों तरफ नजर रखें। उदारता का एक हद तक ही ठीक है, लेकिन अगर यह अपना दायरा पार कर ले तो परेशानी बन जाती है। और मित्रों, आज के समय में बहुत से लोग बैठे हैं जो आपकी उदारता का फायदा उठाएंगे। हो सकता है कि पहली नज़र में ही कोई इंसान आपको पसंद कर ले, तो मित्रों ध्यान रखिएगा कि उस इंसान की भावनाओं और नीयत को समझना बहुत ज़रूरी है। इंसान को परखने की कला यदि आप सीख गए तो जीवन में कभी मात नहीं खाएंगे। साथ ही बता देते हैं कि साझेदारी से संवाद कायम करना बहुत कठिन सिद्ध होगा। अगर आप लंबे समय से अपने जीवन में किसी रोचक चीज़ के होने का इंतजार कर रहे हैं तो निश्चय ही आपको उसके संकेत दिखाई देने लगेंगे, और जीवन साथी के साथ वाकई बहुत बेहतरीन समय गुजरेगा। मित्रों, चांदी के टुकड़े पर शुक्र का यंत्र खुदवा कर पूजा करने से पारिवारिक जीवन खुशहाल बना रहेगा, और व्यस्तम दिनचर्या के बावजूद आपकी सेहत बहुत अच्छी रहेगी। मित्रों, लेकिन इसे हमेशा के लिए सच मानने की गलती ना करें, अपनी जिंदगी और अपनी सेहत का सम्मान करें मित्रों, क्योंकि अगर आपने इस वक्त छोटी सी भी गलती की तो आपके लिए बड़ी मुश्किलें पैदा हो सकती है। धन का आगमन आपको कई आर्थिक परेशानियों से दूर कर सकता है, और घर पर आपके बच्चे आपके सामने किसी समस्या को तिल का ताड़ बनाकर
पेश करेंगे। कोई भी कदम हो उसे उठाने से पहले तथ्यों की भली भांति पड़ताल कर लें और आप ऐसे इंसान से मिल सकते हैं जो आपको खुद अपनी जिंदगी से ज़्यादा चाहता हो। काम में मन लगाएं और जज्बाती बातों से बचें। कई कामों को छोड़कर आप अपने पसंदीदा कामों का करने का मन बनाएंगे, लेकिन काम की अधिकता के कारण आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। मित्रों, आप सभी को बता देते हैं, काम का दबाव इस वक्त आपके ऊपर बन रहा है। जीवन साथी के साथ थोड़ा हंसी मजाक, थोड़ी छेड़छाड़ आपको किशोर अवस्था के दिनों को याद दिला देगी और दूसरों के साथ खुशी बांटने से सेहत और खिलेगी। मित्रों, लंबे समय से अटके मुआवजे और कर्ज आदि आखिरकार आपको मिल जाएंगे और जीवन साथी और बच्चों से अतिरिक्त स्नेह और सहयोग भी मिलेगा। कई लोगों के लिए आपके मित्रों बहुत सी सामे रोमांटिक और खूबसूरत तोहफे और फूलों से भरपूर रहेगी। आप अपने मातहतों से नाखुश हो सकते हैं क्योंकि वे उम्मीद के मुताबिक काम नहीं कर रहे हैं। आप चाहें तो परेशानियों को मुस्कुराकर दरकिनार कर सकते हैं या उनमें फंसकर परेशान हो सकते हैं। चुनाव आपको करना है। वैवाहिक दृष्टिकोण मित्रों बहुत बढ़िया रहेगा। सुख ही सुख आपको मिल रहा है। आपको कुछ अनोखा उपहार भी मिल सकता है और किसी भी धार्मिक कार्य में सहयोग करने से नौकरी व बिजनेस में तरक्की होगी। आशावादी बने और उजले पक्ष को देखें। मित्रों, आपका विश्वास और आपकी उम्मीद आपकी इच्छाओं व आशाओं के लिए नए दरवाजे खोलेगी। रियल एस्टेट से संबंधित निवेश आपको अच्छा खासा मुनाफे देंगे और अपने नई परियोजनाओं के लिए अपने माता पिता को विश्वास में लाने का सही समय है। मित्रों, उनकी भावनाओं को समझना इस वक्त बहुत जरूरी होगा। माता पिता आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं। अन्य दिनों की अपेक्षा आप देखेंगे कि आपके सहकर्मी इस वक्त के अंतराल में आपको अधिक समझने की कोशिश करेंगे। आप घर के लोगों से दूर होकर अपने पार्क में या अपनी ओवन कंपनी में घूमेंगे। मित्रों, आपको बता देते हैं कि नई परियोजनाओं के लिए अपने माता पिता को विश्वास में लेने का सही समय है। जी हाँ, मुमकिन है कि आपके माता पिता आपके जीवन साथी को कुछ शानदार आशीर्वाद दे दें जिसके चलते आपके वैवाहिक जीवन में और निखार आए। शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाना। मित्रों, इससे नौकरी व बिजनेस में उन्नति होगी। और एक विशेष सलाह आपके लिए है कि तली भुनी चीज़ों से इस वक्त आप जितना दूर रहेंगे उतना ही मित्रों मस्त रहेंगे। ऐसा लगता है आप जानते हैं कि लोग आपसे क्या चाहते हैं, लेकिन अपने खर्चों को बहुत ज़्यादा बढ़ाने से बचें। शाम के वक्त दोस्तों के साथ मौज मस्ती के लिए अच्छा है। साथ ही छुट्टियों के लिए भी योजना बन सकती है। और प्यार के मामले में आप गलत समझे जा सकते हैं। आपको कुछ सबसे बढ़िया अवसर नए लोगों के माध्यम से मिलेंगे। प्रेमी को वक्त देने की कोशिश करेंगे, लेकिन किसी जरूरी काम के आ जाने के कारण आप उनको समय दे पाने में कामयाब नहीं हो पाएंगे। और मित्रों, आपका जीवन साथी आपकी जरूरतों को अनदेखा कर सकता है जिसके चलते आप चिड़चिड़े हो सकते हैं। बेसन की मिठाई, बेसन की कोई तली हुई खाने की चीज़, सोन पपड़ी, बेसन का हलवा गरीबों में बांटने से स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। अपने जीवन को चिरस्थायी ना माने और जीवन के प्रति सजगता को अपनाएं। अगर आपको लगता है कि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है तो आप घर के किसी बड़े से धन संचित करने की सलाह लें। आपकी दिलचस्प रचनात्मकता आपके घर के वातावरण को सुखद बनाएगी और अपने प्रिय की छोटी मोटी भूलों को अनदेखा करें। मित्रों, अपने वरिष्ठों को नज़रअंदाज ना करें। आप अपने जीवन साथी को बहुत बढ़िया सरप्राइज दे सकते हैं और अपने सारे कामों को छोड़कर आप उनके साथ वक्त बिता सकते हैं। क्या आपको लगता है कि शादी महज समझौते का नाम है? अगर हाँ, तो हकीकत तो महसूस करेंगे और जानेंगे कि यह आपके जीवन की सबसे अच्छी घटना थी। अपने अध्यापक, गुरु और छोटे बच्चे की मन से सहायता करें। उन्हें खुश करने के लिए नौकरी व बिजनेस में उन्नति होगी। आप महसूस करेंगे कि आसपास के लोग बहुत ज़्यादा मांग करने वाले हैं, लेकिन जितना आप कर सकते हैं उससे ज़्यादा करने का वादा ना करें और केवल दूसरों को खुश करने के लिए खुद को तनाव से नहीं थकाएं। मित्रों, बता देते हैं कि वीडियो की समाप्ति अब यहीं पर होती है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक अवश्य ही कर दीजिएगा
और कमेंट बॉक्स में गुरु जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखिएगा। और मित्रों, दैनिक राशि फल एवं रोजाना ज्ञान वर्धक वीडियो की प्राप्ति के लिए आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे अभी जुड़ जाए।